सब बंधन दृश्य दूर कर निर्बंध हो के रहे सब बंधन दृश्य दूर कर निर्बंध हो के रहे मन का भाव मेले बस हो गया भजन मन का भाव मेले बस हो गया भजन प्रेत ने सात दिन मन लगा कर भगवान को की है और रात्रि में मनन भी करता रहा अन्य लोगों ने मन से नहीं सुना इसलिए फल नहीं मिला तो अब धुंधकारी पर चले गए श्रोताओं ने आचार्य से कहा महाराज अब एक बार पुनः आप कृपा करें और श्रीमद् भागवत में श्रवण कराएं तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष नवमी को महाराज ने पहली कथा कही थी धुंधकारी के लिए और दूसरी कथा उन्होंने प्रारंभ कर दी श्रावण में श्रावण मास गोकर्ण कथा राचु तथा पुनः श्रावण मास में पुनः भागवत महाराज गोकर्ण जी ने कही अपनी सभी श्रोताओं ने पूरी तरह मन लगाकर बड़ी श्रद्धा और भक्ति से भागवत सुनी तो सुंदर विमान आया और उस विमान पर सभी श्रोता और आचार्य जी वहां पशु पक्षी भी जो बैठ गए विमान पर वो सब बैठ चले गए। अच्छा एक बात बताओ सात दिन यहाँ कथा हो और सातवें दिन अंतर में यहाँ विमान आ जाए कौन कौन लोग बैठ चलो आधे लोग तिहाई लोगों ने हाथ उठाए इसलिए अभी अभी नहीं जाएंगे तुम्हारा आइए बैकुंठ ना था तो ऐसे समय में सब चले गए भागवत का प्रभाव और उस समय महाराज शरद कुमार जी हरिद्वार में कथा कह रहे हैं और उस समय स्वयं साक्षात नारायण बनमाली घनश्याम चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए कथा पंडाल में पहले भक्तों के हृदय में बैठे सुन रहे थे। जब भक्त कथा सुनते हैं तो भगवान के हृदय में बैठ जाते हैं। स्वयं देवर्षि नारद जी ने कहा ना हम वशान वैकुंठे योगिनां हृदये न च न तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ मेरे भक्त जहाँ मेरा गुणगान करते हैं ऐसे भक्तों के हृदय में मैं बैठ बैठ के कथा सुनता हूँ। अब कथा के विश्राम लेला में स्वयं भगवान प्रकट हो गए और भगवान के साथ साथ भक्त मंडल है पूरा परिकर साथ साथ है और जो भगवान का जो परिकर है भगवान के जो गण है भगवान के पार्षद हैं वो सब महावाद्य बजा रहे हैं। भगवान को महावाद्य बड़े प्यारे और संकीर्तन बड़ा प्यारा ये दो भगवान को बहुत प्यारी है इसलिए आरती के समय महावाद्य बजाए जाते हैं ढोल बजते हैं घंटा बजता है शंख बजता है ये महावाद्य जैसे शंख सब सब ये बहुत भगवान को प्यारे जय सब प्यारा जय नमः और शंख जय सब नमः शंख शब्द पुनः पुनः घर में शंख जरूर बजना चाहिए। शंख बजने से पाप नष्ट हो जाते हैं इसलिए घरों में शंख बजाइए। शंख की ध्वनि कानों में पड़ने से मनुष्य के रोग समाप्त होते हैं। जो शंख बजाता है उसे कभी राज्य क्षमा नहीं हो सकता श्वसन तंत्र उसका कभी खराब नहीं हो सकता इसलिए शंख जरूर बजाइए। और शंख आध्यात्मिक भी है और वैज्ञानिक भी है दोनों बात
तो भक्तों शंख से शब्द निकलता है राम ओम, सूर्य से भी शब्द निकलता है ओम ओम, ये सूर्य से निकलता है। वेद ने कहा लेकिन लोगों ने नहीं माना, पुराण की बात बात पढ़े लिखे लोग कहते हैं ये पुराण में लिखा है कैसे माना, और जब वही बात विज्ञान कहता है तो तुरंत मान लेते। वेद ने कहा सूर्य मंडल से ध्वनि निकलती है ओम, तो कुछ ने माना कुछ ने नहीं माना, लेकिन नासा ने जब कहा, नासा ने प्रमाणित किया अंतरिक्षी उपग्रह उसमें जब आ गया कि सूर्य मंडल से ओम की ध्वनि निकलती है तो सब मान मान ओम अनादि है, ओम ही राम है राम राम ही। तो भगवान आए साथ का भक्त मंडल है, प्रहलाद स्तालधारी प्रहलाद स्तालधारी तरल गति तया उद्धव कांश धारी वीणा धारी सुर सिंह स्वर कुशल तया राग करता भूत इंद्रो आदि मृदंगम जय जय शुकर कीर्तन ते मारा तत्र रारी भाव सर सर रचनया शत्रु बड़ा प्यारा भगवान के गण गण प्रहलाद नाम नाम भगत शिरोमणि प्रहलाद वो प्रहलाद हैं ताल ताल बजा रहे प्रहलाद तालधारी भगवान के आसपास प्रहलाद प्रहलाद ताल ताल बजा रहे तरल लंगताया भवा भवा अष्टांगी ज्ञानी हो कांसी बजा रहे कांसधारी कांसी कांसी माने मजीरा मजीरा बजा रहे हैं जी उद्धवा कांशधारी वीणा धारी सुरवृषि देवर्षि नारद बजा रहे हैं वीणा और अर्जुन जो है गंधर्व विद्या के ज्ञाता हैं भगवान के सखा अर्जुन वो गीत गा अर्जुन और मृदंग बजा रहे हैं देवराज इंद्र इंद्रो वादी दंगम जय जय शुकर हरा जनम नम कुमार शनक कुमार भगवत नाम संकीर्तन कर रहे हैं और महाराज सुखदेव देव भाव से भर भर के तत्ता का भाव भाव का सरस सरस रचनाया सरस सरस रचनाकार व्यास प्रभु सुखदेव देव पद का गान ज्ञान भक्ति नृत्य करते हुए संकीर्तन करते हैं और क्या कहते हैं गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नारायण वासुदेव नारायण वासुदेव गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे भक्ति को कादम वैष्णव में निवास करो वैष्णव मानसान वैष्णव भक्तों के मन में निवास करो ज्ञान वैराग्य जाओ जो तुम्हारा आराम करें उनके पास आना और भक्ति को एक दासी दे दी का मृत्यु लोक में रहोगी तुम एक दासी दे रहे हैं मुक्ति
ही दासी के रूप में दे। जो मुक्ति है भक्ति की दासी है, इसलिए सगुणों पास मोक्ष न ले। मुक्ति नहीं चाहे भक्ति के आगे आगे तो दासी है। मुक्ति दासी जदों से और उसी समय कथा के मध्य महाराज सुखदेव जी लिखते हैं। महाराज तत्रायं खोजवासतस्तदा व्यासात्मजो ज्ञानमहाचंद्रमा कथावसाने निजलाभगुरो प्रेमनाथं भागवतं शनै शनै। 16 वर्ष आयु में रहने वाले
धर्म के नाम पर अपना पोषण, ये नहीं है भागवत। धर्म धर्म ये सर्व सर्व हिताय की परिकल्पना को साकार करने के लिए धर्म भगवान छल रही धर्म धर्म भगवान के छल में अच्छा नहीं लगता। निर्मल मन मन सो सो पावा कपट छल छल न भाव, तो छल रही धर्म है भगवान। और एक बात सुनो, निर्मत्सराणाम ये निर्मत्सर बनने वाला है, निर्मत्सरों के लिए है और निर्मत्सर बनने वाला है। मत्सर मन मन ईर्ष्या, ईर्ष्या मनुष्य में बहुत स्वाभाविक धर्म है। इस बन बन का ईर्ष्या होती है, दूसरे के सुख को देख देख कर ईर्ष्या होती है। भागवत कहता है ईर्ष्या से तुम भगवान को नहीं पा सकोगे। ईर्ष्या दुर्गुण है, ईर्ष्या जो है ये रोग है, पर सुख देख देख करे सो सही। जो निर्मत्सर है ईर्ष्या नहीं है, वो भगवान को प्यारा है। निर्मत्सराणां सतानां 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 जो सतान है वो ईर्ष्या रहित होते हैं। निर्मत्सराणां सतानां वेद्यं वास्तवस्तु मत्रशिवदम भागवत वो सब कुछ है जो जानने योग्य है, वो सब भागवत में वेद्यं जो जानने योग्य है, वास्तविक है, वस्तु शिवदम कल्याणकारी वस्तु है। तापापों नमुलनम त्रितापों का शमन करने वाली भागवत श्रीमद् भागवत महा 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 व्यास लाल विद है कि बापा ईश्वरा। और सब सुनकर क्या क्या करो, केवल श्रीमद् भागवत माते माते सत्या हृदय और नुते ते भगवान आना के में कह दिया सुसुसुई तत्क्षणात् उसी क्षण भागवत के समय भगवान माते में बैठ जाते। सुखदेव जी कहते हैं भागवत ही हृदय में भगवान आकर कैद हो जाता है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंसं एकमलं ज्ञानं परम प्रीयते यत्र भक्ति विराजयन् सहितो निष्कर्म भाविष्कृतं तच्छ्रवण पठन विचार करो भक्त्या विमुच्यते नरः। ये सभी वेद शास्त्र पुराण 18 पुराणों का तिलक है भागवत। जैसे नदियों में गंगा, वैष्णवों में शंकर जी, निम्नगा नाम था गंगा, वैष्णव नाम था शिव, ऐसे ही पुराणों में भागवत महापुराण। धर्म ग्रंथों में भागवत महापुराण की महिमा तिलक है, वैष्णवों का प्राण है, अति प्रिय है, भक्ति ज्ञान वैराग्य निष्काम कर्म को उत्पादित करने वाला ऐसा भागवत धन्य है। भागवत भगवान की, सुखदेव जी ने भागवत की महिमा का वर्णन किया। और उस समय महाराज शरद कुमार ने शरद कुमार ने सप्ताह साल की विधि बताई। सत्येन ब्रह्मचर्य सात दिन नियम पूर्वक भागवत सुने, सत्य बोले, ब्रह्मचर्य धारण करे, पत्रावलियां में भोजनम जितना जिससे बन जाए, एक आहार करे, फलाहार करे, जितना जिससे हो जाए, भूमि शयन करे, बान की शैया पर भी सोवे, परीक्षित के लिए विशेष नियम है, दुदलम दलम तैलम चे गरिष्ठान जो वर्जितम कम आदि 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 बान की शैया नहीं लेना है, क्रोध नहीं करना है, मिथ्या भाषा नहीं करना है, प्रपंचों से बचना है, सत्य का आश्रय लेना है, दया परायण दान परायण होना है, ऐसे बंजालियां बता दिए। और अंत में कहते हैं ब्रह्मोत्तरते किं फल ब्रह्मज्वलम सप्ताह यज्ञेन कथा सुसंचितं कर्णेन गोकर्ण कथा श्रोयेन पीतस्य ते गर्भगतो न भूया। भैया इससे अधिक हम भागवत की महिमा क्या बता बता भागवत का महात्म्य में क्या वर्णन ब्रह्मोत्तरते किं फल ब्रह्मज्वलम सप्ताह यज्ञेन कथा सुसंचितं सप्ताह यज्ञ कथा का फल विशेष क्या कहें कर्णेन गोकर्ण कथा श्रोयेन कान से गोकर्ण की कथा का अक्षर जिनके कान में पड़ जाए
या एक अक्षर का मतलब ये नहीं कि एक अक्षर सुन ले, पूरी कथा के अक्षर सुनना, कथा करो ये पीतस्तस, जो कथा का पान करते हैं वो पुनः गर्भ में नहीं आते, आवागमन के मनों से मुक्त होकर भगवत साहित्य प्राप्त करते हैं, शानित्य प्राप्त। इस प्रकार सनत कुमारों द्वारा भागवत का वर्णन हुआ, छह अध्याय भागवत के महात्मा के आप श्रवण किए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब महात्मा वर्णन करने के बाद महर्षि भगवान वेदव्यास प्रथम स्कंद में प्रथम श्लोक में भगवान की वंदना करते मंगलाचरण करते हैं। जिन्होंने जगत की रचना ब्रह्म सूत्र में पहला सूत्र है वेदांत दर्शन में जन्माद्यस्य तो पहला है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, द्वितीय है जन्माद्यस्य तो, और वहीं से श्लोक बना दिया व्यास भगवान जिन्होंने संपूर्ण जगत की रचना की है, संपूर्ण जगत का पालन करते हैं, संपूर्ण जगत का विलय करते हैं, जो समस्त पदार्थों में व्याप्त है। उनके संरचना हुई और सब 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 में सबका पालन करते हुए सब में व्याप्त हो गए, अनुगत हो गए, सभी पदार्थ में व्याप्त हो गए। जिनके विषय में जिनकी लीला के संदर्भ में आदि कवि भी मोहित थे, आदि कवि ब्रह्मा भी मोहित थे। मुह्यंत सूरयः सूरयः योगिनः अपि मुह्यंत। ये माया कैसी है, ऐसी ब्रह्मात्मक है जैसे मरुस्थल में सूर्य की परावलंबनी किरणें जब जब मरुस्थल पर पड़ती हैं तो पिपासाचल हरिण को वहां जलाभास होता है, जल जल हो जाता, वो समझता है जहां सूर्य की किरणें पड़ रही हैं वहां जल है और दौड़ दौड़ जाता है वहां जल नहीं मिलता। ऐसे ही भगवान की माया लोगों को भ्रमित करती है। जड़ माया भास सत्य इव मोह सहाया सत्य इव, उसी तरह लगे लगे है नहीं वो मोह के कारण ऐसा हो रहा है। रजत शिल्पमा भासजिनि यथा भानकर बारी तदनिर्था पिंकालनम ब्रह्मन सकल कोटा। ये ब्रह्म है, संसारिक ब्रह्म है, कैसा ब्रह्म है, ये तो सत्वाद मृखंड भाति सकलम ये ब्रह्म है, माया का ब्रह्म, ये सहज में मिटता नहीं है, ये ब्रह्म भगवत कृपा से मिटता है। जासु कृपा सब ब्रह्म मिट जाई, जासु कृपा सब ब्रह्म मिट जाई, गिरि जासु कृपा रघुराई, गिरि जासु कृपा रघुराई, जे ही जाने
यही जाने जग जाहि राई जाए जथा सपन भ्रम जाई जागे जथा सकल भ्रम जाई भ्रम भ्रम तो ये भ्रम भगवत कृपा से मिलता है परमात्मा जगत तेजो वारिदान यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृखा ये जो सर्ग है त्रिगुणात्मिका सृष्टि है ये मिथ्या होने पर भी सत्य प्रतीत होती है अजान नाम लोक सुख सुनाम बनि प्रजा समान स्वरूपा वेद कहता है अजा है त्रिवर्ण है शुक्ल वर्ण रक्त वर्ण कृष्ण वर्ण अव्यक्त नाम नाम परमेश्वर शक्ति अनादि विद्या त्रिगुणात्मिका करा ऐसी माया ही भ्रमित करती है ये माया भ्रम की है परमेश्वर शक्ति परमात्मा की शक्ति है ये माया तेजो बारी बादाम था दिव्य पवित्र सर्वो मृखा माया के वश में होते हुए मनुष्य उस सत्य से वंचित हो जाते हैं वेद ने कहा हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अभीतं मुखम् सत्य का मुख हिरण्य पात्र माया से ढका हुआ है और ये गुरु कृपा से सत्संग के माध्यम से ही आवरण हट सकता है आवरण विक्षेप जब होगा तब सत्य का उद्घाटन हो जाएगा ऐसी परमात्मा माया बड़े बड़े योगियों को विमोहित कर देती है गीता में भगवान कहते हैं दैवी गुणमयी हेसा मम माया दुर्दया मेरी माया दैवी है गुणमयी है और दुर्लभ है बड़ी कठिन है दुरंत है इसे पार पाना बड़ा कठिन है माने मे प्रपद्यन्ते माया एतां तरन्ति जो मेरी शरण में आ जाते हैं कितना बढ़िया उपाय है जो मेरी शरण में आ जाते हैं माया से तर जाते माया एतां एतां माया ते तरन्ति भवसागर से तर जाते जो भगवान की शरण में आ जाते हैं न योग से माया को जीत सकते न ज्ञान से जीत सकते न समाधि से जीत सकते केवल शरणागति से जीत सकते सर्वधर्मान् त्यजामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मातुचा तो तेजो बारी बारा में था विनिमय उत्तर सर्गो मरखा त्रिगुणात्मिका सृष्टि मिथ्या होने पर भी शब्द प्रतीत होती है भगवान की माया के प्रभाव से धाम नाश्वेन सदा निरस्त को गम अपने धाम से धाम धाम शब्द का कई जगह प्रयोग हुआ धाम माने तेज भगवान अपने प्रकाश से अपने तेज से ज्ञान अंधकार का दूर कर देते हैं धामना स्वेन स्वेन धामना स्वेन माने अपने धामना तेज से प्रकाश सदा निरस्त कोहकम कोहकम अंधकार निरस्तम नष्ट 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 माने नष्ट कर दिया अपने प्रकाश से ज्ञान अंधकार का दूर नष्ट कर देते हैं ये वो परम धाम है तुमादि देवा पाशा पुराणा तमस विश्वस्य परम निधानम वित्तास्य विद्यम च परम चमचाम त्वया तथा विश्व अनंत रूप इंद्र कहते हैं विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम तब धाम शांतम धाम प्रकाश बड़ा शांत तो धाम नाम स्वयं सदा निरस्त कुहकम आप ज्ञानांधकार को दूर करते हैं सत्यम परम धीमहि ऐसे परम सत्य का हम ध्यान ध्यान करते हैं भागवत में भगवान कृष्ण का ज्यादा वर्णन है तो व्यास जी को लिखना चाहिए कृष्णम परम धीमहि इन्हें उन्होंने नहीं लिखा राम जी के बहुत भक्त हैं तो लिखना चाहिए रामम परम धीमहि ये नहीं लिखा शंकर जी के भक्त हैं तो शिवम परम धीमहि या शक्तिम परम धीमहि नहीं लिखा
उन्होंने कहा भागवत को किसी संप्रदाय में नहीं बांधते, कृष्ण की जय बोलेंगे तो राम राम गाएंगे, हमारे इष्ट को नहीं लिखा प्रारंभ में भागवत के मूल में है शिव और शक्ति, हम किसी को एक न कह के ऐसा शब्द जोड़ेंगे जिसमें सब समाई जाए, जो ब्रह्म का अनादि पर्यायवाची शब्द है सत्यम सत्यम ब्रह्म अनंतम ब्रह्म सत्य है, सत्य ही ब्रह्म है, ब्रह्म सत्य है, परमात्मा का अनादि नाम है सत्य, तभी आप कहते हो सत्य नारायण। भागवत में देवता भी कहते हैं सत्य व्रतम सत्य परम परम सत्यम सत्य नीतम च सत्य सत्य से सत्यम वृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नम वो सब सब भगवान की जब मंगलाचरण हुई पद्म पुराण में तो सब सब शब्द पहले आया सब 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 चिदानंद सत चित आनंद स्वरूप तो सत्यम परम 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 परमात्मा इसमें सब आ गए, राम नाम की भी शिव भी शक्ति भी सभी समाहित हो गए हैं, इसलिए परम सत्य का वर्णन किया सत्यम परम धीमहि परम सत्य ब्रह्म का ध्यान करते हैं परम सत्य बोले सत्य स्वरूप सच्चिदानंद भगवान की। इसके आगे वही श्लोक है जो वर्णन कर चुके धर्मात्मा कैतवोत्र परम निर्मल सरण सदान धाम इसकी व्याख्या कर चुके हैं, निगम कल्प करो नृतम फलम वो भी व्याख्या हो चुकी है। महाराज सरस्वती जी के आश्रम पर बैठे हैं संत, 1000 का सत्र लेकर के सत्संग करने के लिए, और उस समय महर्षि भगवान वेद व्यास के सम्मुख प्रशासन में बैठे हैं, उन्हें असंतोष हुआ है, 17 पुराणों की रचना की, वेद का विभाजन किया, इन्हें आत्मशांति प्राप्त नहीं हुई, बड़े अन्य मनुष्य हैं व्यास, बड़े ही कुछ उदास से बैठे हैं। उसी समय देवर्षि नारद का पदार्पण हुआ और महाराज देखिए वहां पर प्रश्नोत्तर हुआ है सुखी से कि महाराज नारद जी का व्यास का कैसे समागम हुआ आदि आदि प्रश्न हुए हैं, तो महाराज देवर्षि नारद का पदार्पण हुआ, व्यास जी ने उनका स्वागत अभिनंदन वंदन किया और बैठाला। नारद जी ने कहा महर्षि वेदव्यास आप एक प्रकार से निराशा क्यों हैं, आप उदास क्यों हैं, तो वेद व्यास ने कहा महाराज ने वेदों का विभाजन किया, 17 पुराणों की रचना की, लेकिन मुझे मानसिक शांति प्राप्त नहीं हो रही है और मुझे आध्यात्मिक आनंद नहीं आ रहा, मन तुष्ट नहीं हो रहा है। यह एक बड़ा प्यारा श्लोक है जो ऋषियों ने कहा, दृष्ट्वा नियामात्मजम् पिनग्नम् देवदेवो हृया परिदधुर्नसुतस्य चित्रम् तद्विक्षप्रतिकूलम् जगजुगु तवास्ति स्त्रीत्वं विधारय पुरुषोत्तमस्य विविक्तदृष्टि। महाराज जन्म जन्म ये सुखदेव जी वन की ओर जब चले दिगंबर हैं और उस समय कुछ नारियां सरोवर में नग्न नहा रही थी और सुखदेव जी भी नग्न जा रहे थे, तो नगनम ऋषियात्मजम् सुखदेवम् आयातम् दृष्ट्वा दृष्ट्वानुयान्तम् समात्मजम् नगनम् देव्या हृया न परिदधुः। देवियों ने नारियों ने हृया लज्जा को धारण नहीं किया, वस्त्र नहीं पहने। दृष्ट्वानुयान्तम् समात्मजम् नगनम् देव्या हृया परिदधुः न सुतस्य चित्रम्। और जब व्यास जी वहां से निकले तो उन्होंने लज्जा क्या की, तदवी क्षप्रच्छदि मुनौं ये देख करके महाराज व्यास जी ने पूछा कि ये भेद दृष्टि आप यहाँ क्यों हैं, तो नारियों ने कहा भेद दृष्टि तो आप यही है, देव देव हृया परिदधुर नसुतस्य चित्रम नसुतस्य चित्रम। तो कहा इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, हमारे परिवार में देखिए पूर्व कोयला मिलावरी से श्री प्रकाश जायसवाल जी का पदार्पण हुआ है, बहुत व्यासपीठ से उनका स्वागत। तो प्रियजनों अब तो उस समय देवी और हिया परिदधुर नसुतस्य चित्रम
अब नारियों ने लज्जा नहीं की तद वीक्ष पृच्छति मनो जगदूत अवास्ति तो कहा यह भेद क्यों है तो नारियों ने कहा आपने ही भेद है क्योंकि महाराज सुखदेव जी सब में ब्रह्म का दर्शन करते हैं सर्वम खल खल ब्रह्म और आप ये जानते हैं कि स्त्री है पुरुष है ये भेद दृष्टि है तो व्यास जी कहते हैं तो महाराज ऐसी भेद दृष्टि हमारी समाप्त क्यों नहीं हुई। नारद जी कहते हैं देखते आप भगवान के पावन चरित्रों का वर्णन तो किया लेकिन भक्ति का वर्णन बहुत कम किया। जिस वाणी से भगवान की भक्ति का वर्णन हुआ वह वाणी बंध्या है। सत ध्वांग तीर्थम न तु हंस सेवितम वो वाणी तो कवियों की वाणी है जिससे भगवान का गुणान उड़ाद नहीं हुई वो हंसों की वाणी नहीं हो सकती। सबाक सरसर जनता का सब प्रवे वो वाणी कभी वंदना का पात नहीं हो सकती। यस्मिन प्रति श्लोकम वत व्यत्यप नामानात सेशों तानिया श्रणवन गायन गणन की साधवा वो वाणी जो है जो भगवान का गुणान उड़ाद करे वही वाणी सत्य है वही सिद्ध है। तुम्हारा कितना अच्छा व्यक्ति हो कितना कर्मयोगी हो कर्मयोग करता होता और भजन नहीं करता तो वो भगवान का प्रिय नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं हम भजन पूजा पाठ नहीं करते हम कर्म बहुत अच्छा करते हैं ध्यान देना ये भी बहुत लोगों की धारणा हम अपना कर्म ईमानदारी से करते हैं पूजा पाठ नहीं करते। तो व्यास जी कहते हैं बिना भजन भजन कल्याण नहीं होने वाला बिना भजन के का कल्याण होने वाला नहीं। बड़ा सुंदर श्लोक बता रहे हैं तो हमारे पूर्व कुला मिला श्री काशी जायसवाल जो इसी नगर के हैं और सबके प्रिय हैं और सब लोग जानते हैं उनका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। और कई बार हमारे मंचों पर भी पधारे हैं भागवत राम कथाओं के मध्य में बोलिए वृंदावन बिहारी लाल न शोभते ज्ञान मल मल निरंजन पुतः पुनः शश्वत भद्रमीश्वर भैरवितम कर्म यदित्युत्तम। नारद जी कहते हैं निष्काम कर्म योग भी जो भक्ति भाव से युक्त नहीं है वो शोभायमान। देखिए बहुत ध्यान से सुनने की बात है जैसे कुछ लोग कहते हैं हम अपना कर्म कर्म करते हैं निष्काम भाव से पूजा भजन नहीं करते। कुछ लोग यहाँ के आते हैं दिखावा नहीं करते हम तो अपना कर्म कर्म ड्यूटी बड़ी ईमानदारी से करते हैं। तो वेद व्यास जी ने कहा कि अच्छी बात है निष्काम कर्म करो लेकिन यदि वो भगवान को अर्पित नहीं है भक्ति भावना से युक्त नहीं है वो शोभा को प्राप्त नहीं होगा। निष्कर्म कर्म अच्छी अपि अच्युत भाव वर्जितम अच्युत भाव वर्जितम निष्कर्म अपि न शोभते इस काम कर्म योग भी शोभा को प्राप्त नहीं होता अमल ज्ञान भी शोभा को प्राप्त नहीं होता अमल निरंजन ज्ञान भी कुतः पुनः शश्वत भद्रमीश्वरम् नैर्भितम् कर्म यदुत्तमम् यदि उत्तम है लेकिन भगवान को अर्पित नहीं है तो शोभा नहीं है। इसलिए व्यास जी आप भगवान के 24 अवतारों का वर्णन भागवत महापुराण में करिए। देखिए जन्म कर्म दोनों से महानता मिलती है लेकिन संत सेवा सत्संग और भक्ति से भगवत सायुज्य प्राप्त होता है। मुझे देख दे मैं पूर्व जन्म में काशी का पुत्र था। नारद जी कहते हैं अहम पुरातीत भवम भवे मुने दास्यास्तस्यास्त न वेद वादन निरूपितो बालमेव योगिनां विवक्षिते प्रावृत निर्विवक्षिताम्
पूर्व जन्म में नारद जी कहते हैं मैं एक दासी का प्रकट था और मेरी माँ वेदवादिना वेद पाठी ब्राह्मणों के यहाँ टहल करती थी। एक बार उन ब्राह्मणों के यहाँ चार सन्यासी आ गए, तो हमारी माँ ने उन संतों की सेवा में हमें लगा लगा दिया। हम संतों की सेवा करते और उनका जूठा प्रसाद खा लेते और वो खाने से उनकी सेवा चातुर्मास मास की हमने बुद्धि विमल हो गई। संतों के जाने पर ये रोने लगे हमें भी साथ ले चलो, आपका वियोग असहनीय है, बिछुड़े थे तो प्राण हरे हैं, संत बिछुड़ते हैं तो प्राण दिए जाते हैं, हमें साथ ले चलो। तो संतों ने कहा बालक हमारी माँ बाप है उसकी सेवा करो, फिर कभी कभी करना। माता रात्रि में चौमासा था, गाय लाए गई, अंधेरी रात थी, एक सांप ने दस दिया, माता मर गई। बालक निराश घर से निकल पड़ा, हिमालय की तराई में एक स्फटिक शिलाखंड पर ध्यान हुए, ब्रह्म ज्योति का साक्षात्कार हुआ और आकाशवाणी हुई अगले जन्म में तुम हमारे अवतार बनो, ब्रह्मा की मानस बनो। बाल बाल की नारद भट्ट ध्वनि निज निज मुखन खड़ी निज होनी, चौबीस अवतार का वर्णन करो। प्रेरणा दी भागवत लिखने के लिए, देखिए नारद जी ने वाल्मीकि से रामायण लिखने की प्रेरणा ली। नारद जी ने ही वाल्मीकि रामायण लिखवाई, नारद जी ने ही भागवत कथा लिखवाई, नारद जी भक्त शुक्र के आचार्य हैं, भक्त शुक्र की रचना की होंगी। प्राय नारद जी को लोग हंसी में हास्य में ज्यादा प्रयोग करते हैं, नारद जी का है शुभ ज्ञान ये ज्ञान देने वाले हैं, भक्ति देवी ये भी वंदना करते हैं। जय जय जगत माया यस्य काया धवस्ते वचन वचन में कम केवलम चाचलये ध्रुव पदमपि यातो यत्र पातो ध्रुवो यम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम रतास्मि। सकल भुवन भी इस धरती पर नारद धन्य है, जय जगत जगत इस जगत में जय हो जिन्होंने काया धौस को कया धू के पुत्र प्रहलाद को ध्रुव को मोक्ष दिला दिया। वचन रचनाकार है, वचन रचन में वचन रचना नागर है, दो ही व्यक्ति वचन रचना नागर है, राम जी और नारद। परशुराम जी कहते हैं जय रघुवंशन जय बन भानु गहन गहन कुल गहन गंज कुल दान प्रशान जय जय वचन रचना अति नागर जो पायो ऐसा का। तो आज नारद जी के लिए भी कहा वचन वचन में वचन रचनाकार है नारद, ऐसे ध्रुपद कृपा ध्रुव सकल कुशल पात्र ब्रह्मपुत्रम रतास्मि। बोलिए देवर्षि नारद की जय। आज हमने आपसे नारद की जय बोला क्योंकि नारद को लोग हंसी में ज्यादा प्रयोग करते हैं, लड़ाई झगड़े में प्रयोग करते हैं। नारद जी ज्ञान के प्रतीक हैं, भक्ति के प्रतीक हैं। आज नारद जी ने कहा भागवत नारद जी ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए और अब महाराज व्यास जी ने भगवान का स्मरण किया और लिखने लगे भागवत। जहां से महाभारत अंत हुआ वहीं से भागवत का शुभारंभ किया। लिखते हैं व्यास भगवान यदा मर्धे कौरव संजया वीरे वृकोदरा भगनो गंदे जब कौरव पांडवों का महासमर महाभारत हुआ दोनों पक्ष से 18 सेना का विनाश हुआ। वृकोदर भीम सेन की गदा से दुर्योधन की दोनों जांघें टूट गई,
क्योंकि दुर्योधन ने प्रतिज्ञा की थी कि हम द्रौपदी को नग्न करके जंगा पर बैठा लेंगे, तो ब्रकोदर भीम ने भी प्रतिज्ञा की थी। चंचद भुज भ्रमित चंदन गदा भिघात संचूर्ण तो युगलस्य सुयोधन स्त्यान पविद्ध घन शोण शोण पाणि कृतं शैष्यति कचान तव देवि भीमः। अयम श्लोकः वेणु संहार ग्रंथस्य अस्ति। तो बताया चंचल भुज भ्रमित चंचल गदा अपने बाहुबल से घुमाई हुई गदा के भ्रमित चंडाघात द्वारा मैं दुर्योधन की दोनों जांघें तोड़ूंगा, दुशासन की भुजाएं ये प्रतिज्ञा भगवान कृष्ण की कृपा से पूर्ण हुई है। भगवान कृष्ण की कृपा से अन्यथा दुर्योधन बड़ा बलवान था, बलराम जी का शिष्य और भीष्म पितामह के रक्षक, कर्ण जिसके रक्षक, द्रोणाचार्य जिसके रक्षक, वो पराजित हुआ। क्योंकि अत्याचारी कितना भी बलवान हो वो अंत में उसका विनाश निश्चित है। और जिसकी रक्षा आनंद माधव मुकुंद भक्त वांछा कल्पतर अघटन घटना प्रतिशी गोविंद कर रहे हो उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। युद्ध हो रहा था, युद्ध के पंचम दिवस पितामह भीष्म आए और बोले केशव मैंने सुना है आप अर्पण किया है महाभारत युद्ध में शस्त्र ग्रहण करेंगे। बोले हाँ ये मेरी प्रतिज्ञा है। तो भीष्म बोले फिर मेरी दूसरी प्रतिज्ञा आज जो मैं ना हरि से अस्त्र गहां तो लाजो गंगा जननी को सांतन सुत न कहां।